हो चुकी है डंडा से डरिए ना डरना नहीं अगर लड़ना नहीं ठीक है इस करिए मैं तो नहीं है वीजा एग्जीक्यूट हुई है आज आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन करना है सारे जिन्हें भी साडे ब्लॉक दे यूथ ने ज्वाइन करनी उनका स्वागत है और तुसे सारे हुन ब्लॉक की मजबूत करना जनता की आवाज चुकना सारा काम है क्योंकि अस पार्टी के अहुदेदार है असें जनता की आवाज चुकनी है अस चुके तो जनता अगर फैसला करग इस करिए असें जनता की आवाज बनना है असें डरना नहीं है ठीक है हुन मैं करगा कि इंट्रोडक्शन देने तो मंदीश होले शुरू कर पार नंबर 12 कठुआ राजा सिंह वार्ड नंबर 12 कठुआ अज आए हैं विशु भैया की दौलत अजी कांग्रेस कमेटी ज्वाइन की है तो मैं यो चाहना कि जो भी है अभी मिली जुली काम करना कांग्रेस के अंदर बाकी जो भी है विशु भैया जी सू आ गए अभी इं चाह मेरा नाम अजय सिंह वार्ड नंबर 1 कठुआ मैं भी अज कांग्रेस की नीतियों की देखी है कांग्रेस आई सर मेरा नाम बब्बू वार्ड नंबर 18 तो अज मैं कांग्रेस ज्वाइन की है तेरी कुछ कोशिश है अच्छी लगे नैक्सट स्टैप अभी अभी कांग्रेस ज्वाइन की है और कांग्रेस कन्नै पूरा कंधे कन्नै कंधा मारी चलते और इतने जिन्हें होंगे अभी अपने चलो मोहन सिंह वार्ड नंबर 10 अज अभी विशु भरा नाल सारे ने रली मिली कांग्रेस ज्वाइन जी अशोक कुमार वार्ड नंबर 18 अज अभी कांग्रेस ज्वाइन की है सू अच्छा लगे बीजेपी ने बड़े धोखाधड़ी की साढ़े नाल सिद्धांत जसरोटिया बीपीओ बरवाल तहसील डिप्टी कठुआ अज कांग्रेस का एक मुद्दा ही सही मुद्दा ही कि गरीब गरीब हों ज़्यादा तो अमीर अमीर हों ज़्यादा कि बदौलत बीजेपी के बदौलत बीजेपी ने कह दिता सानू कख नहीं दिता पेंशन ले ली नौकरियां साड़ियाँ चली गई अं किधर जाइए आम आदमी कितने जाइए कांग्रेस अगे एक मुद्दा है कि अं थोड़े नाल चल गए बस तुम साड़ा साथ दो अं थोड़ा साथ दें सारे बच्चे इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी श्री राहुल गांधी जी श्रीमती सोनिया गांधी जी खड़गे साहब पंकज डोगरा जी सरदार रविंदर पाल नीडू जी योगराज कठुआ डिस्ट्रिक्ट एसी डिपार्टमेंट का कठुआ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आज हमारे कठुआ के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ब्लॉक ने बनाए हुए हैं ब्लॉक के जो ने प्रेसिडेंट बनाए हुए हैं तो हमारे विशु जी कठुआ के ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाए हुए उनकी सिफारिश के अंदर उनकी रहनुमाई के अंदर जो है वो ब्लॉक कमेटी का गठन किया जा रहा है तो जितने भी नौजवान साथी बैठे हैं भाई हैं बच्चे हैं जितने भी बैठे हैं मैं इनको सबको ये मुबारकबाद देता हूं कि आपने बहुत बड़ी पार्टी देश की बहुत बड़ी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी का जो है वो हिस्सेदार बनने जा रहे हैं और कांग्रेस एक ऐसी जमात है को जिन्होंने इस देश को कहते हैं ये लोग बार बार के कांग्रेस ने कुछ नहीं किया ये कहते हैं एक अपनी जबानों से कहते हैं ये अपोजिशन वाले कि 5 साल कांग्रेस ने क्या किया लेकिन 5 साल के बीच अपने भाइयों को पूछो अपने माता पिता को पूछो अपने बाप बापे दादों को पूछो कि कांग्रेस ने देश में क्या किया और कांग्रेस के बीच में अपने बुजुर्गों का कौन सा योगदान रहा और कांग्रेस ने कौन सी गलतियां की और कांग्रेस ने कौन सा देश का विकास किया तो मैं सभी को जितने बच्चे बैठे हैं जो हमारे ब्लॉक के कमेटी के जो मेंबर ने बनने जा रहे हैं तो मैं उनसे एक बड़ी प्रार्थना करना चाहता हूँ बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी कि ये एक कांग्रेस पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो है बहुत बड़ी जमात है और अब बहुत बड़े ब्लॉक का लीडर जो है आपने देखा कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा आज विकास रसूल वानी जो आज स्टेट का प्रेसिडेंट बना हुआ है
वो ब्लॉक प्रेसिडेंट था कांग्रेस कमेटी का, कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक प्रेसिडेंट था वो, तो आज वो स्टेट का प्रेसिडेंट है। आपने देखा हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट कांग्रेस का हरके साहब, वो भी ब्लॉक प्रेसिडेंट था, ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर चार बार पार्लियामेंट के मेंबर बने, एमएलए बने, मंत्री बने, अपोजिशन के लीडर बने असेंबली में, पार्लियामेंट में, तो आज वो देश का प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस कोई छोटी ब्लॉक का कोई छोटा दर्जा नहीं है। तो मैं जितने बच्चे वहां बैठे हुए हैं, आपको स्टेटस दिए जाएंगे, जिम्मेवारी दी जाएगी, ये जिम्मेदारी कौन कौन जिसको कौन चलाएगा, जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। ये आने वाला जो वक्त है, जितने भी बुजुर्ग है, मेरी भी 62-63 साल उम्र हो गया, हम अपने बच्चे को भी लेकर चला रहे हैं साथ में, कौन चलाएगा देश पर, जो हमारी भारतीय जोड़ो यात्रा जो हमारे राहुल जी वो चले हैं देश के अंदर, तो हमें जितने भी इलाके हैं, मैंने कल 9 गांव में जाकर लोगों को मैसेज दिया है कि सभी लोग रोड पर आ जाइए। और देता हूं कि आप लोगों ने आज कांग्रेस को ज्वाइन किया, धन्यवाद। प्रोग्राम कांग्रेस कमेटी दफ्तर से रखा है। मेन मसला यह है कि एक तो थोड़ा पता ही राहुल गांधी यात्रा चल रही भारतीय जोड़ो यात्रा उपलक्ष्य जी काफ़ी लोग जोड़े इंप्रेसिव हो राहुल गांधी वालों कांग्रेस की नीतियों को तहत ही अच्छ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी काफ़ी लोग जोड़े उन्होंने ज्वाइन करना इतने। मैं समझदा कि जोड़ा सा ब्लॉक प्रेजिडेंट है विष्णु लोथरा उन्हें काफ़ी मेहनत की और आने वाला टाइम जो कठुए कांग्रेस का टाइम है। मेरे नाल बैठे थे एस सी सैल के प्रधान योगराज शर्मा, योगराज होनी सॉरी, तो नाल विकास शर्मा जी बैठे थे सैकटरी साढ़े डिस्ट्रिक्ट कठुए के। मैं जिन्हें भी साढ़े इतने नौजवान आए दिन मैं सारे एक तो शुक्रिया अदा करता इन्हों के सारे लोग अच्छ कांग्रेस शामिल होंगे और सारे असी हाथ पवा के कांग्रेस शामिल करा। मैं जोर अपील करा ये भी इन्होंने सारे हार पवन तो नाले विष्णु डोसरा भी कहगा नाले विकास होना कहगा आओ उठ के इनका स्वागत करिए नाले हार पाई के जैक चाहिए। विष्णु लोथरा ब्लॉक प्रेजिडेंट कांग्रेस कमेटी कठुआ। आज हम लोगों ने यहाँ पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन किया है। जैसे आप हम जानते ही हैं कि डोगरा साहब जी ने मेरे को कुछ दिन पहले ब्लॉक कठुआ की जो जिम्मेदारी मेरे को सौंपी थी और मेरे से उम्मीद थी कि युवाओं को जो है पार्टी में लाया जाएगा, आज उसी उम्मीद को पूरा करते हुए हमने हमारे यहाँ पे युवाओं को राहुल गांधी जी की जो यात्रा है या राहुल गांधी जी की और हमारी कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनसे प्रेरित होकर जो यूथ कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे आज उन युवाओं को हमने कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया है और हमारी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है उसका भी गठन किया है। क्योंकि आज समय आ चुका है, हम जानते ही हैं कि किस प्रकार अब हमें जनता की आवाज़ बनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मुख्य विपक्ष पार्टी जो है वो कांग्रेस ही है और कांग्रेस ही है जो विपक्ष का रोल यहाँ पे अदा करेगी। आने वाले समय में मैं एडमिनिस्ट्रेशन को और ये एलजी सरकार जो तानाशाही पे उतरी हुई है उनको भी ये चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि हमारी जनता को परेशान करना बंद करें, अन्यथा कठुआ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आपको हर जगह आपका विरोध करते दिखेगी और जनता की आवाज़ बनते दिखेगी। आज हमारी जनता जो है महंगाई से परेशान हो चुकी है, हमारी गृहणियां परेशान हो चुकी हैं, हमारे युवा बेरोजगारी से परेशान हो चुके हैं, हमारे किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो चुके हैं। इसलिए ये एलजी प्रशासन बाज आ जाए और हमारे लोगों को तंग करना छोड़ दे, अन्यथा सड़कों पे अगर आपको मिलेगी तो वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अपना खून बहाते दिखेगी और इनके जो गलत नीतियां और गलत फैसले हैं उनको वापस करवाने के लिए अगर हमें अपना खून भी बहाना पड़ेगा हम पीछे नहीं होंगे। ये मत सोचें कि कोई एफआईआर की धमकी देके हमें डरा लेंगे, हम उस पार्टी के नेता हैं, हम उस पार्टी के अधिक वर्कर हैं जिस पार्टी में मैडम सोनिया बड़े बड़े हमारे नेता हैं उन्होंने शहादतें दी हैं। जब हमारा देश गुलाम था उस समय हमारी पार्टी के नेताओं ने गोलियां खा के शहादतें दे के इस देश को आज़ाद कराया था और इस देश को हमारे यहाँ एक सेकुलर एक गुलदस्ता बनाया था जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को सभी धर्मों को जोड़ के हमने यहाँ अपना हिंदुस्तान बनाया था। लेकिन कुछ कम्युनल जो फोर्सेस हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं वो इस चीज से बाज आ जाएं, हम देश को जोड़ना चाहते हैं, आप भी हमारे साथ आइए और देश को जोड़िए ताकि हमारा देश है जो मजबूत हो। और जो वादे आपने हमारी जनता के साथ झूठे किए थे आपसे ये निवेदन है कि उन वादों को भी पूरा करें। आपने कहा था कि हम पेट्रोल आपको सस्ता देंगे लेकिन जनाब 7 साल हो गए अभी तक हमें पेट्रोल सस्ता नहीं मिला। आपने कहा था गैस सिलेंडर के रेट कम किए जाएंगे लेकिन आज जनता को
गैस की जो सिलेंडर है वो 1200 का भरवाना पड़ रहा है। आपने युवाओं से वादा किया था कि आपको रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज युवा जो है हताश होकर सड़कों पे घूम रहा है। उन युवाओं के बारे में सोचो, अगर आपसे कुछ नहीं होता तो चुप, आपसे ये निवेदन है कि आप यहाँ से रिजाइन दे और हमें आने दे सत्ता में, और हम ताकि इनकी उम्मीद बने और जो हमारे युवाओं को हमारे लोगों को परेशान करना है वो बंद करें, और ये जो नए नए आर्डर निकालते हो इन आर्डरों को निकालना बंद करें। अभी आपने ये आर्डर निकाला है एक दो दिन पहले कि जो बिजली का कट है वो 3 घंटे से बढ़ा के 8 घंटे कर दिया। आप हमें उजाला देने के लिए आए थे सरकार में या अंधकार में धकेलने के लिए आए थे? इसलिए अपनी ये जो गलत पॉलिसीज है इनको बंद करें। यही मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत।